प्यारे दोस्तों, योगी वीरेंद्र योगी का सतनमन। हमारे देश के सारे लोग, बहनों और भाइयों, बेटी और बेटों, वो किसी भी जाति के हों, किसी भी मजहब के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, जब सभी में राष्ट्रीयता की भावना आएगी, तब सभी ये सोचेंगे ये देश मेरा है, ये लोग मेरे हैं, इनके शान मान और मान और उम्मीदें हमारे हैं, हम सबों को एक साथ सहयोग करते हुए एक अखंड सुप्रसिद्ध प्रगतिशील भारत की कल्पना करना है। और हम जहाँ भी हों, जिस क्षेत्र में हों, जिस कार्य में हों, शिक्षा हमारे मापदंड नहीं है। हम किसान हो सकते हैं, हम चौकीदार हो सकते हैं, हम सेना में काम कर सकते हैं, हम विद्यार्थी हो सकते हैं, हम किसी ऑफिस के कर्मचारी हो सकते हैं। जहाँ भी हों, जैसे भी हों, अगर हमारे दिल में देश के प्रति प्रेम होगा और हम सभी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और हमें सही दिशा का ज्ञान होगा, तो हम भारत की सेवा कर सकते हैं और हम सब महान बन सकते हैं। यहाँ न हम तानाशाह बन के इसको सुसज्जित कर सकते हैं, न यहाँ हम इतने उदार बन जाएं कि आज़ादी इतनी हद तक चली जाए कि हम अपनी गौरव गरिमा को भूल जाएं और सबके गाली गलौज करें और माँ बहनों की इज्जत भी हम नहीं कर सके। इसीलिए हमें गौरवान्वित ढंग से सारे मजहबों के लोग, सारे जाति धर्म के लोग, इन सबों को भूल के एक ही चीज याद रखना है कि देश मेरा है और देश के लोग मेरे हैं और इनकी रक्षा करना हमारा धर्म होता है। हमारी बहनें यहाँ काम कर रही हैं, हमारे भाई कहीं और काम कर रहे हैं, लेकिन सबों को यही सोचना है कि देश मेरा है, कि देश के लोग मेरे हैं। इनकी समस्या रोटी कपड़ा मकान, बिजली सड़क और पानी, रोजगार शिक्षा चिकित्सा, जितने भी इनके संकट हैं, सबों का निदान करना हमारा फर्ज होता है। और हमारी देश की सरहदों पर जवान जो सुरक्षित हैं, उनके साथ भी हमारा सम्मान होनी है। और हमें देश को आज़ाद रखना है, हमें देश को कभी गिरने नहीं देना है। न देश की मिट्टी की सौगंध लेते हैं हम सभी भारतीय कि देश जब तक हम हैं, ये मेरा संकल्प है कि न तुम्हें मिटने देंगे, न तुम्हें झुकने देंगे, न तुम्हें लूटने देंगे। एक भारत का महान सिपाही, एक भारत का महान सेनानी, अग्रगण्य महापुरुष माननीय नरेंद्र मोदी जी की बातों को सुनिए और इसे जीवन में लाइए। कभी नफरत मत करिए कि किसी दूसरे राजनीति पार्टी से है। हमारी राजनीति यही है कि देश हमारा है, सत्यमेव जयते, जो देश के हित में है, सबों को एक स्वर से बोलना चाहिए और सुनिए इनकी बात। 1857 का स्वतंत्र संग्राम इस देश के लोगों ने जान की बाजी लगा करके लड़ा। और सबने मिल करके लड़ा था, सबसे मिल के काम करना है भाई। संप्रदाय की कोई भेद रेखा नहीं थी, नहीं होनी चाहिए कभी भी, नहीं, न जाति न धर्म न संप्रदाय। भी कमल था, आज भी कमल, कमल तो रहना ही चाहिए। मैं लाल किले पर से बोल चुका हूं कि अब तक जितनी सरकारें आई, जितने प्रधानमंत्री आए, हर किसी का अपना अपना योगदान है। इसको बोलते सत्यमेव जयते, जो सच है वो सच है। उस तरफ बैठे हुए लोगों से कभी सुनने को मिला नहीं है कि इस देश में कोई चाफे का बंधु भी हुआ करते थे जिनकी शहादत थी आजादी में। इनके मुंह से सुनने को नहीं मिला है कभी सावरकर जी भी थे जो काला पानी की सजा भुगत रहे थे तब देश आजाद हुआ है। उनके मुंह से कभी सुनने को नहीं मिल रहा है कोई भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद भी थे कि जिन्होंने देश के लिए बड़ी चढ़ाई। उनको तो लगता है कि आजादी आजादी सिर्फ एक परिवार ने दिलवाई है, समस्या की जड़ वहां है। प्यारे दोस्तों, अभी आपने सुना कि हमारे मोदी साहब कितने महान व्यक्ति थे और इन्होंने देश की गौरव गरिमा के लिए अपने जीवन में संकल्प लिया है। और ये एक मोदी साहब ही ऐसे नहीं है, ये हमारे 135 करोड़ हिंदुस्तानी सबों का उत्तरदायित्व होता है। जबकि हम देश की निष्ठा, देश की गौरव गरिमा, देश के विकास में सहयोग करेंगे तो जन आंदोलन पैदा होगा।
हमारे देश में एक महान व्यक्ति पैदा लिए थे, मोहनदास करमचंद गांधी। उनकी सफलता का रहस्य था जन आंदोलन। ये हर भारतीय का कर्तव्य है। वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, वो केवल हिंदुस्तानी है, वो केवल भारतीय है। और सबों का उत्तरदायित्व होता है कि सभी एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए एक लेजर बीम होता है, मीन्स कोहरेंट। सारी शक्तियां जब साथ मिलेगी तो देश की शक्ति बढ़ेगी, देश का विकास होगा। यहाँ कोई भूखा नहीं रहेगा, यहाँ तक कि यहाँ एक कुत्ते भी भूखे नहीं रहेंगे। ये संकल्प लेना होगा हर हिंदुस्तानियों को। पशु पक्षी, पेड़ पौधे और मनुष्य सबों को सुखी रहना है। वसुधैव कुटुम्बकम्, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमें आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए सत्कर्मों के लिए, देश के विकास में कार्य करने के लिए। देश की माताएं, बहनें, भाइयों और जितने भी बुजुर्ग हैं सभी की रक्षा के लिए। लेकिन वो आज़ादी कभी नहीं चाहिए जो कि लोगों के हित में नहीं हो। गाली देने की आज़ादी, लोगों की इज्जत उछालने की आज़ादी, देश को तोड़ने की आज़ादी, देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की आज़ादी, भ्रष्टाचार की आज़ादी, जाति धर्म और मजहब के नाम पर देश को लूटने की आज़ादी, ये कभी नहीं मिलेगा। और ये तभी संभव है कि हमारे देश की नागरिक जागरूक होंगे। प्रजातंत्र महान है, जनतंत्र महान है, लेकिन उसकी शक्ति होती है विवेक और विचार, नहीं तो ये राजतंत्र बन जाएगा, ये प्रजातंत्र नहीं रहेगा। यहां कोई गद्दार, दो देशद्रोही, दुष्ट लोगों को बांटेगा जाति धर्म मजहब के नाम पर, और सत्ता का लोलोप देश की बागडोर संभालेगा। वो देश के लिए नहीं सोचेगा, वो अपने परिवार के बारे में, अपने वंश के बारे में, अपने लोगों के बारे में सोचेगा। लेकिन याद रखो, हर भारतवासी का ये देश है, हर भारतवासी को ये सोचना है कि ये लोग मेरे, इनकी सुख शांति, इनकी सुरक्षा, इनकी शिक्षा, इनकी रोजगार, सारे जिनको संकट है वो हमारे हैं, और हमें सहयोग के साथ समूह का निदान करना है। और हर हमेशा याद रखना है कि मैं रहूं न रहूं, ये देश रहे, मैं रहूं न रहूं, ये देश के लोग रहें। ये सपना था सुभाष चंद्र बोस का, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का, और मंगल पांडे का। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, भारत माता की जय। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, जितने भी हमारे देश में विभिन्न संप्रदाय के लोग हैं, सभी साथ आ जाइए। मैं सबों को बहुत प्यार करता हूं, क्योंकि जो भी आपने धार्मिक पाठ लिया है, किसी भी जाति में आप पैदा लिए हों, लेकिन आप एक ही भारतीय हैं, एक ही हिंदुस्तानी हैं। मैं आपको अपने दिल में समाया हूं, जैसे हनुमान जी राम को रखे थे, और जो भी लोग जो रखे थे हमारे दिल में, आप सभी बसते हैं, सभी धड़कते हैं, क्योंकि मैं बुद्ध का भी शिष्य हूं। मैं आपसे बेहद प्यार करता हूं। आपको सुख शांति चाहिए, आपको समृद्धि चाहिए, आपको विचार, विवेक, सब कुछ चाहिए, उसको मैं समर्थित और समर्थवान बनाने की चेष्टा करता रहूंगा। और आपके विचारों को बदल के सत्यमेव जयते, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गम्यो, तमसो मा ज्योतिर्गम्यो, मृत्यु मा गमितुम्गम्यो। अगर आप ये देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी इतने ज्ञानी हैं, ये ज्ञान ऐसे ही नहीं प्राप्त हुआ, बड़ी साधना और तपस्या से ये सीखे हैं, ये विवेकानंद के शिष्य हैं। और विवेकानंद दुनिया के महान व्यक्ति थे, ज्ञानी व्यक्ति थे, जिसे पूरी सभ्यता, पूरे देश के लोग, विदेशों के लोग, पूरे ब्रह्मांड के लोग इनकी मान मर्यादा किया, बुद्ध भगवान के विचारों को किया। आप भी सुधर जाइए, आप महान हैं, आप में देवत्व सोया हुआ है। जगने दीजिए और जोर से बोलिए, हम एक हैं।
हम सभी भारत माता की संतान हैं। हम जाति धर्म और मजहब के नाम पर देश को टुकड़ों में नहीं बांटेंगे। देश बटेगा तो केवल राज्यों के नाम पर सुशासन के लिए, लेकिन जितने भी भारतवासी हैं उनका मान सम्मान और विकास हमारा धर्म, हमारा धर्म है, कर्तव्य है। हम सभी एक हैं, सभी एक हैं, सबको साथ चलना है। हम सभी से प्यार करते हैं। हमारे दिल में घृणा, नफरत, लोभ, लालच कुछ भी नहीं है। हमारे दिल में है केवल प्रेम, स्नेह, सुख, शांति, सबका साथ, सबका विकास। जब हम अच्छी बातें करते हैं तो लोग पूछते हैं क्या बीजेपी के हैं? अरे ये परम सिद्धांत है मानवता के कल्याण के लिए। वसुधैव कुटुंबकम है ये पूरी मानवता की प्रगति और विकास के लिए। अगर बीजेपी इतने अच्छे विचार के हैं तो बुराई क्या है? हम शत्रु को भी प्यार करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आपके विचार ने आपको शत्रु बना दिया है, विचार कुविचार को दूर कर दीजिए और सुविचार लाइए। केवल प्रेम, केवल सुख शांति सबों का, सबका साथ, सबका विकास। सर्वे भवन्तु सुखिनः। धन्यवाद। जय हो आपका, कल्याण हो आपका।